मीनू तूने खाना बना लिया क्या? हाँ मैं तो बना आई। आ गए तेरे हस्बैंड आ गए घर? हस्बैंड आ गए। हाँ जी तुम्हारे तो अच्छे भाग हैं, तुम्हारा आदमी घर में रहता है। पीछे बाहर जो चद्दर ली थी ठीक निकली तेरी? ठीक ही निकली, तुम्हारी कैसे निकली? ना तो मेरे में छेद निकली। अभी लड़के आती हूँ यार उससे, अभी तो लोग कम ही दिख रहे हैं, वैसे रात को ना ठीक हो जाता है बार्गेनिंग। इस बार कौन आ रहा है दिवाली मेले में चीफ गेस्ट, पता चला तुमको? चल यार चार पांच दिन कट जाएंगे, जब तक दिवाली मेला रहेगा बढ़िया रहता है माहौल। खाना खाओ यहीं घूमो थोड़ी देर, बढ़िया शॉपिंग भी कर ली ना, रात को आने में ठीक होता है बिनू, रात को अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। भैया ये नाइट सूट के पजामे कितने की दे रहे हो? ये कम नहीं लगाओगे? अगर दो तीन ले लूंगी साथ में तो सही लग रहे हैं। वैसे ये भी तो रुई का है ये? ये भैया पिचक तो नहीं जाएगा थोड़े दिनों में? ये ले लेना फाइबर, ये खराब नहीं होगा। ये कितने रुपए का है फिर? 200 का जोड़ा है। 200 का जोड़ा? और ये कितने का दे रहे हो? ये 350 का। सही लगाओगे? अगर चार पांच ले लूंगी तो पूजा तेरी शादी में भी ले लेंगे रे दहेज के लिए। शादी की वो रखी, शादी वाले दूसरे हैं। 150 रुपए का जोड़ा है वो। हाँ फिर वो लेके जाऊंगी। हाँ कब तक है दुकान तुम्हारी? 10 दिन का मेला है आपको। अच्छा मैं लेके जाऊंगी। हाँ भैया फिर भी अच्छे लग रहे हैं टी शर्ट। बेटा मैच देख रहे हो? आपके ना आपके नहीं मिलेंगे बेटा, ये डबल एक्सल साइज नहीं मिलेगा यहाँ। मैं देख लूंगा आंटी मेरे को। आप मैं कह रही हूँ वैसे तुम्हारे शरीर के हिसाब से तुम ज्यादा हो ना उम्र के हिसाब से। अरे तू पुष्पा की बहू है ना, प्रणाम नहीं करेगी फिर? बस सौभाग्यवती सौभाग्यवती, आजकल की बहुएं कहा करते हैं प्रणाम। वैसे ना स्वेटर देख रही है अपनी सास के लिए भी देख रही है क्या? ऐसी आती है तू पजामे टी शर्ट में ही मेले में? छूट पहन ले बेटा, नई शादी वाली ठेली तू। बहुत कहाँ है तेरा? घूमना हो गया। खाना बना के आई नहीं? आई तू बना के आई ना। अच्छा चल यार बिनू साड़ी भी देख लेते हैं, अच्छी लग रही है यार यहाँ। अच्छी लग रही है। कितने की है भैया ये साड़ियाँ? साड़ी 350 की है क्या? ये तो श्रीनगर ही रहती है ना? श्रीनगर नहीं रहते, घूमने गए थे। घूमने बता दिया, झूठ की बोल दिया। कहाँ के हैं भैया ये? सब बीकानेर का है, राजस्थान में। आप राजस्थान से आए? लेके जाऊंगी। हाँ भैया मैं तो अभी देखने के लिए आई थी क्या क्या सामान है। ले रे पूजा तू भी खा। मम्मी यार वो हरा मिर्च का अचार ले लिया, उनकी दुकान में आया हुआ है यार, 70 रुपए का मिल रहा है बस। बेटा बवासीर से ना तेरे को 700 रुपए की दवाई खानी पड़ जाएगी। मैं चल यार झूले में झूलते हैं, आज बहुत ही मन कर रहा है। चल यार पूजा लेट हो रहा है बेटा, पापा गुस्सा करेंगे। बाबा हुए एक बार झूले में झूली थी तेरे पापा के साथ, उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिए हैं। पता है तेरे पापा ने क्या करा? एक बार मेरे को मेले में ले गए उत्तरायणी के, वहाँ झूले में ऊपर बैठाया तेरे पापा मेरा, झगड़ा क्या हो गया मेरे से, अरे तेरे को ऊपर से नीचे फेंक दूंगा बल। अरे अभी तो 10 तारीख तक है बल मेला, आराम से सारा सामान लेके जाएंगे जितना है ना जरूरत लगती है बेटा, दिवाली में देने के लिए भी काम आएगा इधर उधर। दुकानें तो बंद हो गई, कल ही आएंगे फिर चाची। आप कल ही आते हैं? हाँ कल ही आते हैं। तू खाना बना के आना रे, खाली तेरी सास खाई, हमने इसको बिगाड़ दिया ना सही में। हाँ खाली दूसरी की बहू को ले, हम क्यों नाम रखे यार।